हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं गोवा के इस सुंदर बीच के प्राइवेट प्लेस को दिखाने वाला हूँ, जो कि आज तक ना किसी ने दिखाया है ना किसी ने बताया है। आई होप इस बीच पर बहुत सारे लोग आए होंगे, लेकिन उन्हें जहाँ पर जाना चाहिए वहाँ नहीं गए। और यह बीच विदेशी लोगों में, रशियन लोगों में क्यों फेमस है, आज मैं आपको ये भी बताऊँगा और सब कुछ दिखाऊंगा। और इस बीच पर आप कैसे आ सकते हो और इस बीच पर रहने के लिए, स्टे करने के लिए आपको क्या-क्या फैसिलिटी अवेलेबल है और इस बीच के पास-पास क्या-क्या फेमस चीज़ है, इन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे चल के मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ और पूरी बात को समझाता हूँ स्टेप बाई स्टेप। गोवा का यह बीच व्हाइट सैंड वाला बीच है और यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो इंट्रेंसेज है। इसीलिए जो नॉर्मल पब्लिक होती है या फिर नॉर्मल लोग होते हैं वो भटक जाते हैं, और भटकने के बाद इस बीच के प्राइवेट प्लेस को नहीं देख पाते हैं जहाँ पर रशियन जाते हैं। यार, रशियन यहाँ पे भरे रहते हैं और यहाँ पर रशियन लोगों में बहुत फेमस है यह जगह, और वो हमेशा यहीं पर आते हैं और यहाँ पर आके इंजॉय करते हैं। तो चलिए, मुझे ये भाई साहब भी मिल गए थे गोवा में, इन्हें आप जानते होंगे, और उसके आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर रशियन लोग इतने ज़्यादा क्यों आते हैं, प्राइवेट प्लेस क्यों है और क्यों फेमस है रशियन लोगों में। तो चलिए आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि रशियन लेडी जा रही है और स्विमिंग करने, आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, आई होप। और बहुत सारे रशियन मेरे लेफ्ट साइड हैं, लेकिन मैं आज रशियन के अलावा और बहुत कुछ टॉपिक कवर करूँगा, और रशियन तो हैं ही। तो रशियन के बारे में मैंने बता दिया कि यहाँ पर बहुत सारे रशियन लोग आते हैं और बहुत सारे विदेशी लोग, रशियन के अलावा भी बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि ये एक प्राइवेट प्लेस है इस बीच का, और यह बहुत ही सुंदर बीच है और बहुत ही अच्छी लोकेशन में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हो कितने अच्छे व्हाइट सैंड, इनकी सैक्स देख सकते हो कितने कलरफुल, इससे भी पता लगा सकते हो कि आप यहाँ पर कितने सारे लोग आते होंगे। बागा और कलंगुट बीच की वो सड़ी टूटी फूटी जो सैक्स होती है ना, जो छतरी होती हैं, कैनोपी होती हैं, वैसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल न्यू रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं और उनको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। चलो, अब मैं उस जगह चलता हूँ जिस कारण से रशियन लोगों में ये बहुत ही फेमस है, और आप देख सकते हैं सब प्राइवेट प्लेसेज हैं, प्राइवेट कैनोपीज हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं आप, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा विदेशी लोग आते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे चल के मैं आपको सबको दिखाता हूँ और क्यों फेमस है उस जगह पर ले चल के आपको बताता हूँ कि इसी कारण से रशियन लोगों में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पर रशियन लोग बहुत ही ज़्यादा आते हैं। बागा एंड कलंगुट पे तो कुछ रशियन ही नहीं आते, लगभग ना के बराबर, लेकिन यहाँ पे आते हैं, और इसकी सुंदरता और इसकी फेमस होने का यही कारण है इस बीच का, क्योंकि यहाँ पे शिव शंभू हैं।
तो शिव शंभु को देखने के लिए यहाँ पर रशियन लोग आते हैं। शिव शंभु को देखने इसलिए आते हैं क्योंकि यह नॉर्मल नहीं है, यह एक चट्टान पे शिव शंभु जी की आकृति है, भगवान शिव शंकर की आकृति एक चट्टान पे बनी हुई है, जो कि नॉर्मल बात नहीं है। और ये आज से नहीं है, जब से यहाँ पे या फिर बीच को जाना जाता है तब से ऐसा ही ये शिव का फेस बना हुआ है। इसलिए रशियन लोगों में, रशियन कल्चर में और रशिया में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये बीच, और इस बीच को बागाटोर बीच कहा जाता है। यहाँ पर आने के लिए आप टैक्सी, बाइक या कुछ भी ले सकते हैं, और इस बीच के पास ही चपोरा फोर्ट और फेमस पप्पी चुलो हॉस्टल, जिसमें केवल 200 रुपये में आप रह सकते हैं। अगर आप पप्पी चुलो के बारे में और कुछ जानना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो जो अपलोड किया है पप्पी चुलो का स्पेशल वीडियो, वहाँ पे जाके आप बहुत ही अच्छी लाइफ और बहुत ही अच्छा स्टे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम दाम में। और यहाँ पे मैंने बताया चपोरा फोर्ट है, सनबर्न भी इसके पास ही होता है, और यहाँ इसके पास ही फेमस फ्राइडे नाइट मार्केट भी है, उसका वीडियो भी मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोड है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। आप भी बागाटोर पे आते हो लेकिन बागाटोर बीच के इस एंट्रेंस में आ जाते हो आप, जो कि चपोरा फोर्ट के पास है। आपको इस एंट्रेंस पे नहीं आना है, बल्कि इसका जो दूसरा एंट्रेंस है या फिर इसी के रास्ते आप आगे जा सकते हो, जो कि मैंने अभी दिखाया है शिव का फेस, या फिर आप किसी से पूछ सकते हो। लेकिन आप लोग इस एंट्रेंस पे आते हो और बोलते हो कि बागाटोर बीच अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है या आपने देखा ही नहीं है। आप केवल इस एंट्रेंस में जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है या फिर और कुछ एक्टिविटी होती है, आप यहाँ पर आके और घूम के चले जाते हो। जब मुझे नहीं पता था स्टार्टिंग में तो मैं भी यही करता था, लेकिन बाद में मैं रशियन लोगों के संपर्क में आया, उनसे बात किया और उनके बारे में जाना, तब मुझे गोवा के बहुत सारे सीक्रेट प्लेसेस के बारे में पता चला। अगर मेरा यह वीडियो और मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।